Hi guys, welcome back to the channel. Hello, hello. Good morning everyone. Welcome back to our channel. ये गंदी लड़की guys आज भी जिम नहीं जा रही, इसे अपना फटाफट लैपटॉप उठा लेगी, मेरे को बहुत काम है, बहाने मारती है लड़की। पता क्या, बहुत कम दिन रह गए ट्रिप को, आज तक मैंने ऐसी प्रिपरेशन नहीं की। चलो फटाफट बता दो कि कैलगरी में कौन सी डेट को आ रहे हैं। 19 और रजाइना? नॉट श्योर। तो फिर जाके मेरी स्टोरी चेक करो, आपको पता लग जाएगा। जल्दी जल्दी चेक करो स्टोरी। दोस्तों अपनी बीवी को भी बताना पड़ता है कि जाके स्टोरी चेक करो, तो आप भी कर ही लेना। ओके, द टेंटेटिव डेट्स फॉर द मीटअप आर कैलगरी 19th अगस्त, रजाइना 21st अगस्त, विनिपेग 23rd अगस्त, रेस्ट टू बी डिसाइडेड। वेरी गुड टीबीएच। ये जो मेरा लिटर सा पॉज था ना गाइस, इसमें शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई थी टीबीडी, फिर मैंने कहा टू बी डिसाइडेड। चल बाय, लव यू, बाय। चलो वाटर बॉटल, तो क्या मेल करूं इसको? वो ड्राफ्ट में लिखी हुई मैंने आती, उसको आगे कंटिन्यू करके खत्म कर दे। सर जिम हो गया, सिर्फ कार्डियो करना है, उसके बाद घर। दोस्तों घर पहुंच गया हूं, मैडम फुल काम कर रही है, जहां छोड़ के गया था एग्जैक्टली उसी पोजीशन में बैठी है। एंड गाइस आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड टू सी ऑल ऑफ यू। जल्दी जल्दी हमारे मीटअप के दिन आने वाले हैं, आप लोगों से मिलेंगे, बहुत सारी बातें मारेंगे। एंड एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम टोरंटो पहुंचेंगे तो हम टोरंटो के वन ऑफ द मोस्ट लव्ड इंडियन यूट्यूबर से कोलैब करने वाले हैं। अगर आपको पता है वो यूट्यूबर कौन है तो कमेंट्स में बताना। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि बहुत तगड़ी लड़ाई हो रही है हस्बैंड वाइफ की, एक मैं कीरत की शक्ल दिखा देता हूँ, ठीक है? इसके मोटे वो, ये देखो, ये पता है क्यों रो रही है? क्योंकि कल मैंने कुकिंग करी, सच बता रहा हूँ, मैंने कुकिंग करी कल, खाना बनाने के बाद भी किचन साफ नहीं कर पाया, उसकी वजह से स्लैब पे हल्दी का निशान लग गया। इस बात पे इतना रोने वाली क्या बात है, मैं अगली बार साफ कर दूंगा। मुझे प्रॉब्लम होती है कि मैं किचन सारे अपने साफ करता हूँ, उसके बाद इतनी मैसी किचन, आई डोंट लाइक इट। मैं वो करने लग जाती हूँ, मेरा काम सफर होता है। सुनो सुनो कहती, सुनो तो अपने कपड़े पहन, ऐसे मत वो कर, ये पहन ले। गाइस मेरी बीवी ने कहा पहले कपड़े पहनो, ठीक है, व्लॉगिंग में ऐसे नहीं करना। नहीं आओ तो कहती तू खाने बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मत लिया कर। मैंने कहा ठीक है मैं नहीं लूंगा, तो मैंने इसको कहा कि तू फिर खाना दे देगी? कहती तो भूखे रही हूँ सारा दिन, मैं कह रहा हूँ हल्दी के निशान से, एक हल्दी के निशान से इतना रोने वाली क्या बात थी? क्योंकि मेरे को पता है कि जब मैं काम करती हूँ मैं पूरा करती हूँ, मैं अपना ये काम भी करती हूँ, मैं अपना वो काम भी करती हूँ, आई डू इट फुली। एक मिनट मैं गाइस आपको एक बात बताता हूँ, कल इसने अपनी एडिटिंग की और ऑफिस का काम किया, मैंने ऑफिस का काम किया, प्लस मैंने दो व्लॉग्स काटे, दो व्लॉग्स बनाए, प्लस मैंने दो कुक भी किया, ब्रेकफास्ट भी बनाया, डिनर भी बनाया, कुक किया है मैं, कुक के साथ साथ बर्तन भी धोती हूँ, किचन भी साफ करती हूँ। कल धोए? कल नहीं ना धोए, तो तू, हम कल की बात कर रहे हैं, मैं कल की बात, हम कल की बात, अगर तू वो धोता तो तू वो करना पाता। दोस्तों फिर आप कहते हो कि अब ये सीन काटने पड़ेंगे, या फिर आप कहते हो कि दिखाया मत करो लड़ाई। मैं तुझे ये बता रही हूँ कि उसके बाद अगर तू करता, मैं कह रहा हूँ एक मिनट, ये लड़ाई शुरू क्यों हुई? ये लड़ाई इसलिए शुरू हुई क्योंकि तेरे को हल्दी का निशान दिखा। मैंने बोला मैंने अपना काम भी किया, मैंने ब्लॉग भी एडिट किया, मैंने दो बार खाना भी बनाया, फिर मैंने तेरे को, तूने कहा मैं अपना काम, ना 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 ना, रिकॉर्ड जाके चेक कर लियो, मैंने कहा ये लड़ाई शुरू की से एक हल्दी के निशान की वजह से, मित्रों हल्दी भी करना है, हल्दी के निशान ये चौक के की है, परमानेंट है, हमारा रिश्ता भी परमानेंट है, उस पे स्कार भी परमानेंट पड़ेगा, मत लड़। वैसे तो बहुत कुछ हो जाता है, फिर अगली बार मेरे को मत बोलियो जब तेरी वायर टूट गई कोई, एक स्लैब ला दूंगा तेरे को अलग से। अच्छा हगी कर ले, कम गाइस दिल की बिल्कुल बुरी नहीं, मैं आपको बताता हूं कभी बंदा एक्सप्रेस नहीं कर पाता। अच्छा गाइस मुझे बस इससे ये होता है, शी इज वेरी नाइस अंदर से, नहीं दिख रहा बाहर से, तो क्या हो गया? अच्छा हंगी तो गए, कुकू क्यों हो गया यार? गाइस मान गई लड़की, गाइस मुझे लगा था सारी बातें खत्म हो गई, बट इसने तो फॉरेंसिक रिपोर्ट बनाई है, कहती यहाँ पे प्याज, ठीक है यहाँ पे प्याज था, हाँ, फिर इसने इमेजिनरी बताया कुछ, फिर इसने क्या कहती यहाँ कुछ पड़ा हुआ था, यहाँ पे तेरे कैप्सिकम के सारे दाने, अच्छा, दाने, दाने, अच्छा ठीक है, यहाँ पे टमाटर का, ओ माय गॉड, टमाटर का सारा हो, पानी इधर को, रियली डोंट टेल मी Shit. कितना टाइम लगता है उसको ऐसे ऐसे उठा के, ये देख निशान पड़ गया। वैसे सही बात बोली तूने, कितना ही टाइम लगता है ये सब उठाने में, मेरे को लगा था। कुकु एक बार बोल दे, स्मार्ट पति होने का भी प्रॉब्लम ही है, बाबू मैं तुझे मिनट से पकड़ लेता है, देखोगा पड़ गया निशान परमानेंट प्याज का। ये मैं कह रही हूँ क्वार्ट्स ही बेकार लगाए हमने, हम काले क्वार्ट्स लगाएंगे अगली बार, देख साफ ही करती रह जाऊँ मैं। कुकु मेरे को कभी नहीं इमेजिन किया था कि तू ऐसे टिपिकल मम्मियों वाली बातों पे तू ये लेगी। बिकॉज़ यू लव क्लीन हाउस, यू लव ना, हाँ, फिर तुझे अच्छा लगता है ना जब हमारा घर साफ होता है, हाँ, मैसी होता है, कितना दिल में ऐसे होता है कि हाय आई डोंट लाइक मैसी होम्स, एग्जैक्टली, बट दैट्स व्हाई आई मैरिड यू।
बाबू मेंटेन बैठे बैठे देखो कितना प्यार करता हूँ, खाना देता हूँ, मुझे काम भी है, फिर मैं ये भी इतना वो मैं करता हूँ, मैं सारी सफाई करता हूँ, इतने प्यारे से चेहरे को मैं कैसे मना कर दूँ। नजर नहीं हटती नजारे हम क्या देखें, वो तो मेरी मम्मा ने, वो तो मेरी मम्मा ने सब्सक्राइबर थी बहुत ज्यादा, मैं उससे नाराज हूँ। एंड क्या किया फ्रेंड्स, मैंने लाइव पे भी एक बार बात करी थी, उसने कहा कि दीदी छोटे मोटे काम के लिए फ्रेंड्स को आप क्यों ऐसे वो करते हो, दिस इज नॉट फेयर। ये वो भाई छोटे मोटे काम कीरत कैसे करे हमेशा ही, कीरत को बाकी काम भी होते हैं यार, ऐसे थोड़ा ना होता है कि हाँ भाई मैं छोटे मोटे काम की मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूं। मुझे बड़ा हर्ट हुआ गाइस, ये मीन नहीं करती, थोड़ी भरी बैठी है बस। दोस्तों मैं अपने पति को बहुत प्यार भी बहुत करती हूँ। गाइस गुस्से में इसने मेरे को टी शर्ट पहनाई है, टी शर्ट पहन, पहन टी शर्ट, अभी एग्स बना रहा है वो। एक तो मेरे से घर पे कपड़े नहीं पहने जाते यार, एसी नहीं है ना, सेंट्रलाइज एसी होता ये, मैं क्या स्वेटर पहनता हूँ, ठंड लगती तो पहनता हूँ मैं। आज गाइस कढ़ाई में ब्रेकफास्ट बन रहा है क्योंकि बर्तन सारे धोने गए हैं। कोई नहीं, कोई ये इतनी बार इसको बोला ये वाला बर्तन तो मैं फेंकूंगी, ये देखो देखो राइट अवे मैंने कुकर डस कुकिंग चिन्ने वाला। ओ बाबू वो तो सिलिकॉन का था, स्पैचुला खराब कर दिया। नहीं खराब, इतनी जल्दी नहीं खराब होता, ये हमारे रिश्ते की तरह फ्रेजाइल नहीं है। इतना मैंने अपनी ऐसे ऐसे अपनी वाइफ को ऐसे मिस किया आज, वाइफ से बात करें। चल मैं काम कर लूं अब, ठीक है मैं किचन को अब बाद में देखूंगी। वैसे किचन देखने लायक है, उधर जाइयो मत, वैसे तो हमने वाइड एंगल से अभी भी दिखा दिया इसको। देखो बर्तन देखो, पड़े पड़े आपके घर में नहीं होते, सबके घर में होते हैं। जब मैं कुकिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ कभी इतने बर्तन नहीं होते। गाइस ये देखो जितने कप आपको दिख रहे हैं ये हमारी एक दिन की कॉफी ही है। नहीं जी दो दिन की, हाँ कल और परसों के, और पानी भी कई बार इसमें पीते हैं हम। हाँ सुबह का नींबू पानी, ठीक है ये दो नींबू पानी के गिलास होते हैं, दो 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 दिन के हो गए ना, 1 2 3 4 इतने वैसे ग्लास कैसे आ गए फियांची। अरे दो तो कॉफी, अब मैं क्या तेरे को वारदात बनाऊं। गाइस साइको है एक नंबर की है, कह रही थी ना यहाँ पे प्याज के छिलके दिखे थे, यहाँ पे टमाटर, एक हमें ईमेल आई थी अभी, ठीक है वो काफी पर्सनल ईमेल थी। सो बेसिकली वो ईमेल थी इस बारे में कि हाउ मच आई लव कीरत एंड समटाइम्स आई सेट नॉट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, तो उसकी और उसकी वाइफ या गर्लफ्रेंड के बीच में लड़ाई होती है, ठीक है तो इस पे आप क्या कहना चाहते हो। मैं इस पे ना क्योंकि बहुत मतलब सेंसिटिव टॉपिक है और मुझे एक दो लोगों और ने भी ये बात कही है, तो मैं इसको कईयों ने कही है हाँ, मेरे ब्रदर इन लॉ तक ने भी कही है, इसको मैं एक एड्रेस करूंगा, इसके मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, बहुत प्यारे तरीके से आपसे बात करूंगा इस बारे में। बट मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि प्लीज जितनी भी आपको ईमेल्स मिलती हैं, चाहे वो हमारी कोलैबोरेशन की ईमेल हो या कोई भी हो, गाइस वो वर्क ईमेल्स हैं, एंड मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज आप कोई पर्सनल बात मत लिखना क्योंकि मैं नहीं पढ़ता उसको, मेरी टीम पढ़ती है, तो आपकी सारी पर्सनल बातें मेरी टीम पढ़ेगी। अगर आपको कोई पर्सनल बात करनी है तो आप इंस्टाग्राम पे डीएम करो, चाहे थोड़ा टाइम लग जाए रिप्लाई आने में बट आ जाएगा, या फिर जब मैं क्वेश्चन वगैरह डालता हूँ कि कोई बात करनी है आप बताओ, बट ईमेल पे पर्सनल बात मत लिखो क्योंकि मैं नहीं यही चाहता कि आपको लगे आप, यार मैं तो फियांशु को बता रहा था, मैं तो कीरत को बता रहा था, वो मेरे ऑफिस के लोग पढ़ेंगे, क्योंकि स्ट्रिक्टली कहा गया हर जगह मेंशन किया हुआ है वो वर्क ईमेल्स है, कोलैबोरेशन ईमेल्स है। ये मेरा हाँ? ये की ब्रेड गर्म लग रही है बाबू, दोनों गर्म है, चुपचाप खा रहे लपड़ रहा हूं, इतनी गर्म नहीं लग रही है फियांशी। एक काम कर अपनी सुबान पे रख, अभी गर्म हो जाएगी। अपने गुस्सेल बीवी के लिए गाइस इतना प्यारा सैंडविच बनाया मैंने, फियांशी ऐसी शरीफी हो ना कर, ठीक है ना फिर मैं ही लगूंगी सबको वो लग, कह रही है जो रियलिटी है वो है, मेरे को हुआ विलन से प्यार। व्हाट अबाउट कुका, आई एम इन लव विद द गब्बर। शाम की कॉफी रेडी है बट कुकू ये देखो क्या कर रही है। आज हम खाने वाले हैं बहुत ही मतलब मेरी जान निकली हुई है देख के, जुकीनी पराठा, पता नहीं इसको न्याय शौक चढ़े से ऑनलाइन की रेसिपी देखी है, ऑनलाइन ही देखी, मेरी मम्मा बनाते होते हैं जुकीनी पराठा, मैंने बहुत बार बनाया ऐसे घिया पराठा जुकीनी पराठा। तो ये देखो जुकीनी श्रेड कर दी है मैंने, अब बनाएंगे इसके पराठे, पहले आटा गूंदूंगी मैं इसका। चेक दिस आउट दोस्तों, क्या बढ़िया आटा गूंदा है मेरी मशीन ने, एंड मैंने एक्चुअली मस्त, अब इसकी बनाएंगे पराठी। तो जुकीनी स्पिनच पराठी, मैं सच बता रहा हूँ मैं इतना एक्साइटेड हूँ हमारी ट्रिप के लिए। बस प्रॉब्लम क्या हो रही है कि साला काम ही नहीं खत्म होने को आ रहा, उसकी वजह से हम तैयारी नहीं कर पा रहे। वो जो होते ना कि ट्रिप जाने से पहले की एक्साइटमेंट, क्योंकि हम रोड पे जाने में कीरत को बोल रहे थोड़ा कम एक्साइटेड हो रही है, अगर यही हम यूरोप ट्रिप जा रहे होते तो बहुत सारा टिकट्स पे पैसे खर्च करके जा रहे होते तो हम ट्रिपल एक्साइटेड होते हैं, क्योंकि वो मेंटली होता ना ये होता है हाँ हाँ रोड ट्रिप ही है, बट कीरत को समझ में नहीं आ रहा है कितना बड़ा रोड ट्रिप है, हम
कनाडा के एक कोने से कनाडा के दूसरे कोने, लिटरली हम गाड़ी तक मॉन्ट्रियल तक जाएंगे। वेरी 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 एक्साइटेड, इतने सारे सब्सक्राइबर्स हैं मिलेंगे। मेरा बस यही एजेंडा है कि हमें थोड़े बहुत लोग जो हमें देखते आए हैं, चाहे वो कैलगरी से हो, चाहे रिजाइना से हो, चाहे विनीपेग से हो, थंडर बे से हो, टोरंटो से हो, ओशवा, ब्रैम्पटन, मॉन्ट्रियल, यहाँ पे सब आप लोगों से मिलेंगे। एंड बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ मैं, क्योंकि हमारे चैनल पे बहुत ही ज्यादा प्यारे यूट्यूबर आने वाले हैं। कॉमेंट करके गेस जरूर कर लेना, और आपको कोई फेवरेट यूट्यूबर है टोरंटो से तो उनको टैग कर लेना कि शायद वो हो या ना हो, पता लग जाए उनको भी आपने गेस कर लिया और हमारी बातचीत हो चुकी है उनसे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर इट। ऋषि ने अपना सारा काम खत्म कर लिया, ही इज ऑन टू हिज नेक्स्ट काम, और मेरा तो यार बहुत बड़ा अंधेरा हो रहा है, लाइट्स ऑन हो चुकी है पैटियो की। मैं सच्ची कह रही हूँ, जान निकली पड़ी है जान, इतना सारा काम मैं कैसे करूँगी। अभी मेरे चैनल पे भी गैप आ गया, वीडियोस वगैरह नहीं गई क्योंकि मार्केटिंग हो गई, इतना सारा काम कराया जाने से पहले। आई वी हैव टू फिनिश एक प्रोजेक्ट, दो तीन प्रोजेक्ट्स डिलीवर करने हैं, तीन। एनीवे बाय बाय दोस्तों, मैं पी रही हूँ वाइट टी। दोस्तों मेरे पति ने अपना काम कर लिया था, आपको बताया था ना, कोई काम नहीं हुआ मेरा अभी। एक काम तो कर लिया, दूसरा अब एडिटिंग कर रहा है। हाँ, तो एडिटिंग भी मेरा काम है गाइस। बट मैं इतना सुपर एक्साइटेड हूँ, पता है क्या प्लान बन रहा है, आपको बताता हूँ। तो टोरंटो तक हम जा रहे हैं, अब टोरंटो गए तो न्यूयॉर्क नहीं गए तो क्या ही फायदा, मतलब कि कैसे हम आपकी नजरों में देखेंगे, आप हमारी नजरों में देखोगे। तो मैडम ने आइडिया एक और दिया है कि हमारी काफी अच्छी फ्रेंड है चंडीगढ़ से, वो रहती है वॉशिंगटन में, वॉशिंगटन से अब न्यूयॉर्क भी पास है। हम कह रहे भाई क्या क्या, ऐसे तो सब कुछ ही घूमते रहेंगे, तो इतना परेशान हो रहे हैं हम कि क्या छोड़े और क्या पकड़े। सो अब इतनी सारी ऑप्शन है, तो हम देख रहे हैं कि भाई कैसे प्लान करना है, कैसे कोऑर्डिनेट करना है, इस दिन हमें न्यूयॉर्क जाना है, इतने लोगों से मिलना है, हमने इतने लोगों के साथ मिलना है, मतलब आपको मैं बता नहीं सकती। आई डोंट नो हाउ विल इट बी पॉसिबल, इट इज अनदर गाइस प्लानिंग प्लानिंग एंड प्लानिंग ट्रिप। बट हम बहुत एक्साइटेड है, हम दो मिनट के लिए सोचते हैं कि यार हमारे लिए प्लस हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए इतने ज्यादा स्पेशल डेज होने वाले हैं, इतने ज्यादा एडवेंचरस डेज होने वाले, इतने ज्यादा मस्ती वाले दिन होने चाहिए कि हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड है व्लॉग्स बनाने के लिए। हम तो सरी को बाय बाय करके जा रहे हैं दोस्तों, अलविदा सरी, बाय बाय वैंकूवर, सी यू सून। और मैं कह रहा हूँ कि कब तक ये सिल्वर प्ले बटन आप भी दिखोगे हमें भी दिखाओगे, सब्सक्राइब कर दो ताकि हम भी गोल्ड देखे। वो स्टूडियो गए थे गोल्ड कितना सेक्सी लग रहा था, गोल्ड नहीं मैं क्या कह रहा हूँ, वो स्टूडियो गए थे, इतना बड़ा था गोल्ड प्ले बटन, पता नहीं कब होएगा, मतलब आपने फर्स्ट टाइम लाइव देखा था, अलग ही चमक रहा था, कब होएगा देख, हम मेहनत कर सकते हैं, बाकी तो फिर जब होगा तब होगा, लगे रहेंगे जब तक, हमने तो इसकी भी उम्मीद नहीं की थी ऑनेस्टली, दैट्स ट्रू, बट लहू लग गया है। जब तक गोल्ड प्ले बटन नहीं आएगा हम मेहनत करनी नहीं छोड़ेंगे, उसके बाद और करेंगे फिर हम, और गोल्ड के बाद पता क्या सोचेंगे, वो चाहिए रूबी वाला, वो तो यार इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, कैसी बातें करती है, इम्पॉसिबल मैं तो भूल ही गई, मुझे ठंड लगती है, मैं तो इम्पॉसिबल, मतलब चैलेंज कर रही है सब्सक्राइबर्स को, मतलब जा जाके छोटे बच्चे अपने घर रिश्तेदारों के फोन से चोरी कर करके सब्सक्राइब बटन दबा देंगे, चैलेंज कर रही है, दिल पे ले लेना आज। दोस्तों ये है सैलेड और ये मैंने डालने थोड़े से डेट्स को चॉप कर दिए, सीड्स भी डालूंगा और एक टमाटर, थोड़ा सा प्याज, और कीरत को बोले स्वीडिश में मेरे को साबूदाने की खीर खिला दे प्लीज, ये वाले बढ़िया लगते हैं मेरे को सैलेड टॉपिंग्स, ये डाल दिए मैंने अपने सैलेड के ऊपर, इसमें सनफ्लावर सीड्स, पम्पकिन सीड्स, रेजन्स, काफी कुछ है, साथ ही साथ कुकू ले रखते हैं स्वीट पोटैटो उबल रहा। दोस्तों ये वाले व्लॉग को हम एंड नहीं कर पाए, हम ट्रैवल कर रहे हैं, अगर आपने ये व्लॉग को एंजॉय किया प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड कमेंट डाउन बिलो, स्टे ट्यून्ड विद द अपकमिंग व्लॉग्स, बहुत एक्साइटिंग होने वाले हैं, बहुत ही मस्त ट्रैवल सीरीज आ रही है, सो सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक नहीं किया चैनल को, बाय द वे मच्छर काट गया बहुत बुरी तरह, बाय।